हेलो मॉमीज, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल प्रेगनेंसी हेल्प पे। माय डियर मॉमीज, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। डियर मॉमीज, आज मैं आपको अपनी वीडियो में बताने वाली हूँ कि जो हम लेडीज़ होती हैं, चाहे हम प्रेग्नेंट हैं चाहे हम नहीं हैं, या हमारी डिलीवरी हो चुकी है चाहे हमारे पीरियड चल रहे हैं, हम मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, कभी ना कभी ये प्रॉब्लम आपको हुई होगी, या कभी फ्यूचर में भगवान ना करे आपको ऐसा हो, लेकिन ऐसा आपके साथ हो जाता है तब आप कैसे अपने आप को क्योर कर सकती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर वेजाइनल बॉयल्स के बारे में। हमारे जो प्राइवेट पार्ट पर दाने दाने हो जाते हैं, फुंसियाँ हो जाती हैं, पीली पीली पस वाली फुंसियाँ हो जाती हैं, और जब वो फूट जाती हैं तो और भी एरिया को कवर कर लेती हैं, और एक फूटती है दूसरी होने लगती है, दूसरी फूटती है तीसरी होने लगती है, और बहुत सारी हो जाती है। कंडीशन ये हो जाती है कि हम एक जगह बैठी रह जाती है, हमारा चलना फिरना सब बंद हो जाता है, और सबसे गंदी कंडीशन होती है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके कई सारे रीज़न हैं। देखिए, या तो आप हाइजीन मेंटेन करके नहीं रखती हैं, ठीक है, हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप अच्छे से उसको क्लीनिंग करिए, ठीक है, या फिर आप बहुत ज़्यादा टाइट जीन्स पहनते हो, टाइट जो भी अंडर गारमेंट्स है वो आप पहनते हो, अच्छी क्वालिटी के अंडर गारमेंट्स भी अगर आप नहीं यूज़ कर रहे हो तब भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, पीरियड टाइम में अगर आप अच्छी तरह से उसको क्लीन नहीं करते हो तब भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही साथ आप जो पिविक एरिया की वैक्सिंग करा लेते हो तब भी आपको ये दाने हो सकते हैं, क्योंकि जब प्रेशर से वो बाल निकलते हैं वैक्सिंग में तो बहुत सारे दाने हो जाते हैं और वो पक जाते हैं, तो वो कंडीशन बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है और उसको हम मीन्स बर्दाश्त भी नहीं कर सकते, इतना पेन होता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी आपको वेजाइनल बॉयल हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपनी पिविक एरिया को मीन्स रेज़र से साफ़ करते हैं तो जो रेज़र होते हैं वो भी आपके जो वेजाइनल बॉयल्स करने में बहुत एक हद तक उनका मीन्स कह सकते हैं कि उसके कारण भी हो जाता है। तो आप जब भी रेज़र यूज़ कर रहे हो तो रेज़र को पहले अच्छी तरह से पानी में बॉयल कर लें, अच्छे तरीके से उसको साफ़ कर लें, तब उसको यूज़ करें, और एक या दो बार सेविंग के बाद उसे थर्ड टाइम आपको यूज़ नहीं करना, हमेशा फ्रेश ही यूज़ करें, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये भी कारण है जिनकी वजह से हमें हमारे प्राइवेट एरिया पर दाने या पीली पीली फुंसियाँ हो जाती हैं। साथ ही साथ जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, जब उनकी डिलीवरी होती है तो डिलीवरी होने के बाद जो गंदा पानी होता है वो काफ़ी टाइम तक मीन्स डिलीवरी होने के बाद भी निकलता रहता है, तो उसके कारण भी अगर हम साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखते तब भी हमें वेजाइनल बॉयल्स हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हमें हो जाती है। तो बहुत सारे कारण होते हैं पीरियड के टाइम में साफ़ सफाई नहीं रखना, और जो मैंने अभी आपको इतने सारे पॉइंट गिनाए, तो इनके कारण हमें वेजाइनल बॉयल्स हो जाते हैं। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि हम इनको किस तरीके से क्योर कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, रेज़र अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको अच्छी तरह से पहले बॉयल कर लें, और एक या दो बार के बाद उसे थर्ड टाइम यूज़ ना करें, बहुत ज़्यादा टाइट फिटिंग वाली जीन्स ना पहने, क्लीनिंग का आपको ध्यान रखना है, हमेशा साफ़ सफाई रखें, प्राइवेट पार्ट पर जो हेयर ग्रोथ हो जाती है अनवांटेड हेयर ग्रोथ ना होने दें, समय समय पर आप उनको क्लीन करते रहें, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बाल तोड़ होता है तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको कर सकता है, ठीक है, तो इसका भी आपको ध्यान में रखना है। अब आप क्या कर सकती हैं, होम रेमेडीज़ क्या अप्लाई कर सकती हैं जिससे कि आपको तुरंत आराम मिल जाए अगर ये कंडीशन आपके साथ हो गई है। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी, जो एप्पल साइडर विनेगर आपको मिल जाएगा वो आप ले लीजिए, उसको आप एक मग पानी लीजिए, एक मग में आप दो ढक्कन एप्पल साइडर विनेगर के डाल लीजिए, ठीक है, और उससे अपनी प्राइवेट एरिया को अच्छे से क्लीन करें। दिन में आप दो बार अगर ऐसा करती हैं तो आपको आराम मिल जाएगा, पेन भी नहीं होगा, और साथ ही साथ जो फुंसियाँ आपको हो रही हैं वो भी निकलना बंद हो जाएंगी। दूसरा, टी ट्री ऑयल आप यूज़ कर सकती हैं, टी ट्री ऑयल भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, अगर आपको वेजाइनल बॉयल हुए हैं तो आप टी ट्री ऑयल यूज़ कर सकती हैं, ये भी बहुत जल्दी आपको आराम दे देगा। इसके साथ आप नारियल तेल भी यूज़ कर सकते हैं, नारियल तेल भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है, जब भी आप उस एरिया को क्लीन करें, क्लीन करने के बाद आप वर्जिन कोकोनट ऑयल वहाँ पर आप लगा लें तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। जब भी आप टॉयलेट जाते हो, जब भी आप वॉशरूम जाते हो, हमेशा पानी से साफ़ रखें, ठीक है, कोशिश करें अच्छी क्वालिटी की आप अंडर गारमेंट यूज़ करें तो आपको कभी भी वेजाइनल बॉयल नहीं होंगे। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आप वैक्सिंग करा रहे हो या रेज़र यूज़ कर रहे हो, इनको बहुत सावधानी से करवाएं, क्योंकि ये काफ़ी हद तक जिम्मेदार होती है वेजाइनल बॉयल के लिए, ठीक है, साफ़ सफाई का ध्यान रखें, वी वॉश यूज़ करें, जो भी वी वॉश आप यूज़ करना चाहती हैं वो आप वी वॉश यूज़ कर सकती हैं, वो भी आपके जो फंगल इन्फेक्शन को बचाने के लिए या वेजाइनल बॉयल को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहती हैं, तो इन बातों को आपको ध्यान में रखेंगे
तो आपको कभी भी वेजन इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो माय डियर मॉमीज़, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो कि मुझे आपको देनी थी, क्योंकि लगातार कुछ कमेंट आ रहे थे इसके ऊपर कि मैम प्लीज़ इसके पे एक वीडियो बना दीजिए। तो आप इन बातों का आप ध्यान रख लेंगे तो आपको जो भी ये प्रॉब्लम है आपको नहीं होगी, ठीक है। तो माय डियर मॉमीज़, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।